हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्य मंदिर दर्शन पर स्वागत है। और आज नवरात्रि के पाँचवें दिन दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्कंद माता के बारे में, जिनकी उपासना नवरात्रि के पाँचवें दिन की जाती है। मोक्ष के द्वार को खोलने वाली स्कंद माता परम सुखदाई है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। इस देवी की दोस्तों चार भुजाएँ होती है। यह दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वृद्ध मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में एक कमल पुष्प है। यह दोस्तों इनका एक बेहद सुंदर और मोहित रूप है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीव में नव चेतना का निर्माण करने वाली है स्कंद माता। नवरात्रि में पाँचवें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं दोस्तों कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिक की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इनका वर्ण दोस्तों एकदम शुभ है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है और इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में दोस्तों इनका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष भी मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भाव सागर पार करने में कोई कठिनाइयां नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना थी। ये थी नवरात्रि के पाँचवें दिन पूजने वाली स्कंद माता के बारे में एक छोटी सी वीडियो।